नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा 2024 का लगभग आधा चुनाव निपट चुका है। तीसरे चरण के 93 सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हो गई। इसमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश की, वो सीटें हैं जिसे यादव लैंड कहा जा सकता है, और यहाँ यादव परिवार के 3 बड़े नेता इन 7 सीटों में चुनाव मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर 282 सीटों का चुनाव अब तक हो चुका है, और मोटे मोटे तौर पर रुझान, अब स्थिति रुझान स्पष्ट होने लगे होंगे। जो लोग डिकोड करते हैं उनको पता चल गया होगा, नेताओं को, राजनीतिक दलों को भी अपनी हैसियत पता चल गई होगी कि कौन कितने पानी में है, और ये जो चुनावी समंदर है इसकी थाह कितनी है। वैसे समंदर की थाह लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर मुद्दों की बात करें तो पहले चरण में जाति जनगणना, ओबीसी, रोजगार, परिवारवाद मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री की तरफ से भी आरक्षण पर सफाई दी गई और बहुत सारी बातें हुई। फिर दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, और बीजेपी ने मंगलसूत्र, विरासत, इस सब तरीके से ये मुद्दे बनाने की कोशिश की। और तीसरा चरण आते आते आज राम मंदिर को एक बार फिर केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश की गई, प्रमोद कृष्णम के उस बयान के बाद कि राहुल गांधी अगर उनकी सरकार आई तो अपने पिता की तरह, जो शाहबानो प्रकरण था, शाहबानो प्रकरण की तरह है, वो इस फैसले को बहुमत से पलट देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को। इस तरीके की बातें भी हुई। राम गोपाल यादव ने मंदिर के वास्तु पर आज मतगणना के दौरान सवाल उठाया, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, यादव परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें हिंदू विरोधी ठहरा दिया, कहा हिंदू विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। और लालू प्रसाद यादव, विपक्षी राजनीति में बहुत बड़ा कद हासिल करने वाले लालू प्रसाद यादव, जो एक तरीके से ओबीसी, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरे हैं इस देश में, वो जब वोट डालने गए और पत्रकारों ने उनसे पूछा आरक्षण का सवाल, तो उनके मुंह से निकल गया कि हाँ, मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। फिर क्या था, प्रधानमंत्री ने बाकायदे अपने चुनावी सभाओं में लालू के इस बयान को सजा कर प्रस्तुत किया और खूब तालियां बटोरी। हालांकि एक घंटे बाद लालू को एहसास हुआ कि ये क्या बोल गए हैं, तो उन्होंने कहा यह तो सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करता है कि किसको आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं। लेकिन बीजेपी ये मुद्दा ले उड़ी और वो लगातार इस बात की कोशिश में है, इस ये नीचे तक के ओबीसी मतदाताओं, दलितों को ये बताने जताने की कोशिश प्रधानमंत्री और उनकी टीम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, लालू के बजाय कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर ज़्यादा हमला प्रधानमंत्री ने किया, और कहा कि ये लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं, पाकिस्तान के इशारे पर ये काम कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं, दलितों ओबीसी का आरक्षण छीन कर ये मुसलमानों को दे देंगे। तो इस तरीके से बातें हुई। वोट जिहाद की का भी मुद्दा उठाया। फरकाबाद में सलमान खुर्शीद, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके एक रिश्तेदार ने वोट जिहाद का बयान दिया था, उसे भी प्रधानमंत्री और उनके साथी ले उड़े। तो कुल मिलाकर ये दृश्य हर चरण में मुद्दे बदल रहे हैं, टोन बदल रही है, जबान बदल रही है, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है? क्या जमीनी हवा भी बदल रही है? मंथन में आज मेरा यही सवाल कि तीसरे चरण में क्या जमीनी मुद्दों पर वोट पड़े हैं? क्या तीसरे चरण आते आते क्या जमीनी मुद्दों पर ये लड़ाई आकर टिकी है? यही सवाल। शाम 7 बजते बजते, हालांकि मतदान का समय 6 बजे तक ही था, 7 बजे चुनाव आयोग ने एक प्रोविजनल आंकड़ा जारी किया। उसके मुताबिक पूरे देश में 93 सीटों पर 60.92% मत पड़े। ये प्रोविजनल आंकड़ा है, ये अंतरिम आंकड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले चरण का आंकड़ा आते आते 11 दिन लगे और 6% मतदान बढ़ गया था। इसको लेकर शंका लगातार अभी भी विपक्षी दल कर रहे हैं, और इसी शंका आशंका को लेकर आज अखिलेश यादव उन्नाव में थे एक चुनावी रैली में। उन्होंने यहां तक ऐलान कर डाला कि अपने वोटों की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे,
ठीक उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री जी हामी भरवाते हैं, उन्होंने कहा कि अपने वोटों की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे, अपने बूथों की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे, ईवीएम मशीन की पहरेदारी करोगे कि नहीं करोगे, ये भी मुद्दा हो रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो प्रोविजनल आंकड़ा आया है वो 57.03% है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग आंकड़े, हम सहयोगियों से कहेंगे कि नीचे जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो चलाए जाएं ताकि दर्शक उसको देखें और समझें कि कहाँ क्या है। लेकिन विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं, विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा आया है इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये आंकड़ा बदलेगा, इसमें कल दोपहर लग सकता है, कल शाम भी लग सकती, परसों सुबह भी लग सकता है इस फाइनल आंकड़ा आने में। तो अभी इसके लिहाज से कोई बातचीत मुझे लगता ठीक नहीं होगी करनी। बहुत सारी बातें हैं, तरह तरीके से बयानबाजी हुई है, तरह तरीके से चीज़ें हुई हैं। लालू के बयान पर प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही हैं। इसके अलावा जो अहम बात इस तीसरे चरण में देखने को मिली है वो जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं और खास तौर पर मैनपुरी जहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, फिरोजाबाद जहां रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं, बदायूं जहां शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इन तीनों क्षेत्रों में इस तरह की शिकायत अखिलेश यादव ने की, डिंपल यादव ने की, शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रामगोपाल ने भी शिकायत की कि यहां सरकारी मशीनरी, पुलिस का तंत्र भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहा है। आरोप लगाया कि मतदाता पर्चियां छीनी जा रही हैं, वर्ग विशेष के मतदाताओं को डरा धमका कर धक्के मार कर निकाला जा रहा है। संभल के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मरहूम बर्क साहब के पोते, उनको तो धकिया कर पुलिस ने दौड़ा दिया, लटिया दिया। उन्होंने शिकायत की कि हमारे खासतौर पर मुसलमानों के वोट नहीं पड़ने दिए जा रहे हैं, इस तरीके की शिकायत की गई। डिंपल यादव ने भी यही शिकायत की। डिंपल यादव ने कहा कि उनके परिवार के लोग जो प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह, वो लगातार गुंडाई कर रहे हैं, पुलिस नहीं सुन रही है, करहल में तमाम बूथ एजेंटों को भगा दिया गया समाजवादी पार्टी के। शिवपाल के बेटे आदित्य ने कई बार के न्यूज़ पर आज पूरे दिन में इस बात को कहा कि बूथ जो 7 BLO हैं, बूथ लेवल अफसर हैं, उनकी जो मतदाता सूचियां हैं वो वहां का इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह छीन कर ले गया। बाद में हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा ने भी जब इस पूरे प्रकरण की पड़ताल की, उस वक्त भी वो थानेदार, बेखौफ थानेदार, गुंडई करता नजर आया। के न्यूज़ की टीम के साथ भी बदसलूकी वहां के लोगों ने की। तो कुल मिलाकर जो लोग थे पुलिस के इशारे पर, के न्यूज़ पर की टीम पर, हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा पर हमला भी करने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर एक तरीके से चुनाव, और इस पूरे चुनाव में आश्चर्यजनक बात यह रही कि आयोग कहाँ है। जब भी आप आयोग की बात करेंगे तो बीजेपी या अन्य लोग कहेंगे कि आपको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, वो चाहे विपक्ष के लोग कहें, चाहे कोई पत्रकार कहे, लेकिन कहाँ आयोग? मैंने तो नहीं देखा कोई आयोग आज पूरे दिन, किसी भी शिकायत पर कोई एक्शन होता दिखा नहीं। तमाम जगह ईवीएम खराब मिली, तमाम जगह घोटाले हैं। और मध्य प्रदेश के मुरैना में बीएसपी के प्रत्याशी ने ये शिकायत की कि जो उनके मतदाता हैं वो हाथी वाला बटन दबा रहे हैं, तो पर्चियां निकल रही हैं कमल की। बहुत सारी धांधली, बहुत सारी वो तस्वीरें। और इसके अतिरिक्त एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई, भले ही लोग 5 साल तक कुछ ना बोलते रहे हों, लेकिन सांसदों का नाकारापन भी ये चुनाव दिखा गया। तमाम जगह स्कूल को लेकर, सड़क को लेकर बड़ी संख्या में मतदान का बहिष्कार हुआ। वो तस्वीरें जगह दिखाई जाएं, पहले मतदान बहिष्कार की, फिर उस तरीके की तस्वीरें भी सामने आए वो दिखाई जाएं जब ये ईवीएम पर सवाल उठे। ये तस्वीरें हैं आगरा, आंवला, बरेली, बदायूं, हाथरस, ये तमाम तस्वीरें हैं मतदान बहिष्कार के, जहां अधिकारी मनाने गए। स्कूल की समस्या है, सड़क की समस्या है, कागज पर सड़क बन गई लेकिन कहीं ना कहीं सड़क बनी नहीं। तो ये हक हुकूक पर वोट की चोट, लोगों ने वोट की चोट तो नहीं की लेकिन उन्होंने कहा वोट नहीं डालेंगे। हाँ, ये हंगामे की तस्वीरें दिख रही हैं, वोटिंग के दौरान ये हंगामा हुआ है। वहां के जिलाधिकारी वो गई हैं, उन्होंने बाकायदे समझाने की कोशिश की है। जरा वो बात अगर इसमें डीएम की हो तो सुनाई जाए।
ये संभल में जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ बदसलूकी हुई, धक्केबाजी हुई। ये कहा जा रहा है कि वर्ग विशेष के लोगों को वोट नहीं डालने दिया, डंडे फटकार के भगा दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगा कि रणनीति है प्रशासन के चुनाव जीतने का, ये नया फार्मूला उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने ये ईजाद किया है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, एक फर्जी वीएलओ भी एटा में गिरफ्तार हुआ। बहुत सारे सवाल हैं, चुनाव बहिष्कार क्यों हुआ, क्या क्या मांगे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाई जाएं, बात की जाए। वो दृश्य भी हम दर्शकों को अपने दिखाना चाहेंगे, जब मुरैना के प्रत्याशी ने ये शिकायत की, जरा वो बाइट भी उनकी सुनवाई जाए। केला वो 2050 कम चलेगा मुझे नहीं मालूम। अब आप वो तो आप 10 जगह से मेरे को फोन आ रहे हैं, हाथी का बटन दबा रहे हैं और कमल का फूल का निकल ले आए, जो है वहाँ पर्ची निकल रही है। तो जो है यहाँ से अपना नोटिस दे के जाऊंगा और मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को ले जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा। रमेश चंद गर्ग बसपा के प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुरैना में हाथी पर वोट और पर्ची बीजेपी की निकल रही, कैसे काम चलेगा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि भाई आप लोग हल्ला मत मचाओ, ईवीएम बहुत पाक पवित्र और सुरक्षित है, आप चिंता मत करो। लालू के बयान पर जो आरक्षण को लेकर उस पर हंगामा मचा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले लालू को सुनिए, फिर प्रधानमंत्री ने क्या रिएक्ट किया, और फिर पवन खेड़ा ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ना नेता है ना नरेटिव है आपके पास, और अब तो प्रवक्ता भी आप लोग उधार पर लेने लगे हैं। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे उनके सागरित, और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत में आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना, मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दें, और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता, धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं हर चीज उधार की। जब ये सरकार बना रहे थे तो जो योजनाएं थी वो यूपीए से ली, नाम बदल दिए, वो नल जल योजना हो, वो स्वच्छ भारत योजना हो, तमाम योजनाओं में सिर्फ नामकरण संस्कार किया, योजनाएं यूपीए की उधार में ली। 10 साल हो गए, अब नेता भी हमसे उधार ले रहे हैं, प्रवक्ता भी हमसे उधार ले रहे हैं,
नैरेटिव भी हमसे उधार ले रहे हैं, एजेंडा भी हमसे उधार ले रहे हैं। तो साहब 10 साल आप कर क्या रहे थे जब ना एजेंडा आपका, ना नैरेटिव आपका, ना नेता आपके, आपका है क्या? जो बात नेता नीति नियत का सवाल उठाती थी बीजेपी कांग्रेस पर कि ना आपके पास नेता है, ना नीति है, ना नियत है आपकी, वो पलट का राजपवन खेड़ा ने दे दिया कि ना नेता है, ना नैरेटिव है, ना नीति है आपकी, और प्रवक्ता तक आप लोग उधार लेने लगे हैं। अखिलेश यादव ने आज उन्नाव में चुनावी सभा में एक नया पासा फेंका। उन्होंने कहा कि युवाओं हम तुम्हें डेटा फ्री में देंगे, जो राशन मिल रहा है 5 किलो बढ़िया पैक वाला, अच्छा राशन नहीं अच्छा आटा हम देंगे आपको, अच्छी दाल देंगे, पौष्टिक चीज़ें देंगे, इस तरीके के वादे किए। और उन्होंने सवाल उठाया कि भाई मोटरसाइकिल 60,000 से 1,00,000 किसने की, साइकिल कितनी महंगी हो गई, युवा वोटरों को टारगेट किया अखिलेश यादव ने, और महंगाई और बेरोजगारी बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने जो जमीन पर हैं आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं, बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर के गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं, हाँ इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने, तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत सारी बातें हालांकि इस बयान में नहीं आ पाई, लेकिन वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह अखिलेश यादव करें। सैफई में मतदान के दौरान वो थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हमारे साथ मेहमान होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में तीसरे चरण पर क्या स्थिति बनी, क्या परिस्थिति बनी, तीसरा मुद्दा, ये तीसरा चरण जो है, क्या जमीनी मुद्दों पर इस पर लड़ाई हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मंथन में ही सवाल कि तीसरा चरण पूरा हो गया है, क्या जमीनी मुद्दों पर लड़ाई हुई है, और अब एक तरीके से आधा चुनाव निपट गया है, लगभग 282 सीटों का चुनाव हो गया है, एक तस्वीर बनने लगी होगी, यही स्थितियां परिस्थितियां, क्या भविष्य की सरकार को लेकर क्या मतदाता सोच रहा है, मतदाता ने क्या अपना फैसला दिया, उसका कहीं ना कहीं कुछ झलक जरूर मिल जाती है। जो लोग बहुत करीने से चीज़ों को देखते हैं, बारीकी से फॉलो करते हैं, हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार संपादक आलोक भदौरिया जी दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को अच्छी तरह समझने वाले संजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मनीष शर्मा काम करते हैं, जाहिर सी बात इनकी अपनी एक विचारधारा भी होगी, लेकिन बहुत अच्छे से मनीष शर्मा विचारों को रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो करने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और शशिकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शशिकांत त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश से, सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। आलोक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ, तीसरे चरण के बारे में क्या राय आप रखते हैं? आलोक जी, सवाल पूरा सुन नहीं पाया, जरा एक बार बताएं। सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि तीसरे चरण के बारे में आप क्या राय रखते हैं, और लगभग 282 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं पहले, दूसरे और तीसरे चरण में, लगभग आधा चुनाव निपट गया है। धन्यवाद दुर्गेंद्र जी, ये आपका इस जो सवाल है इसके जवाब में तो मेरे को थोड़ी सी एक अटकलबाजी करनी पड़ेगी, कयास करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो कयासों पर तो आजकल आलोक जी पूरी पत्रकारिता चल रही है,
कयासों और जुमलेबाज, पत्रकार भी बहुत जुमलेबाज हो गए हैं। मैं सुबह से टीवी देख रहा था तो पता चला पत्रकार ही लड़े जा रहे हैं चुनाव। मैं देख रहा हूं पत्रकारों को, हालांकि कई पत्रकार टिकट पर भी चुनाव लड़ रहे हैं इस देश में, लेकिन कई स्क्रीन पर बैठकर, कई एंकरिंग करके, कहीं कई बड़े बड़े स्लोगन लिखकर अपने टीवी चैनलों में वो भी लड़े जा रहे हैं कि पता चला कि खड़गे का दांव मोदी ने चित कर दिया। इस तरह बहुत सारी हम देख रहे हैं सुबह से कि सभी इस तरीके की तस्वीरें चल रही हैं। आलोक जी, दरअसल कुछ पत्रकारों की इच्छा, मतलब एक मन में एक इच्छा रहती है कि कहीं उनको भी मिल ना जाए राज्यसभा में या लोकसभा का रह नहीं जाए। जब एक संविधान के सबसे बड़े संरक्षक जब चले जाते हैं वहां पे पद छोड़कर, तो उसके बाद बेचारे बाकी पत्रकारों का क्या किया जाए। अभी देखा कि कुछ राज्यसभा में भी चले गए टीएमसी से जी। तो खैर छोड़िए, वो तो खैर पत्रकारों का तो अपना काम है, कुछ इसमें निष्पक्ष हो सकते हैं, कुछ बायस हो सकते हैं, काम नहीं कर रहे हैं आलोक जी, इसीलिए तो मुझे कहना पड़ा। नहीं, मेरे जैसे अदने व्यक्ति को ये कहने की हैसियत कहाँ मेरी, मैं तो बहुत छोटा सा कारिंदा टाइप पत्रकार हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बड़े बड़े अखबारों के लोग लगे रहे, कुछ लोग सफल हो गए वहां पहुंचने में, कुछ लोग नहीं सफल हो पाए, और कहीं कहीं ऐसे भी संपादक रहे कि जिन्होंने खुद भी पद्मश्री ले ली और अपने मालिक को भी पद्मश्री दिला दी। तो ये तमाम तरीके के होते हैं, मतलब ये कोई नई बात नहीं, चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं। इससे हम लोग मुद्दे पर लौटते हैं जी, जी। आपका जो मुख्य सवाल है, देखिए दो चीजें हैं। एक ये, अगर इसको स्वतंत्र तरीके से अगर विश्लेषण किया जाए तो 2014, 19 और 24 इन तीन चीजों में हम लेके चलते हैं। 2014 स्पष्ट नैरेटिव बीजेपी का चल रहा था, कहीं कोई संशय नहीं था। एक जो उन्होंने जो सिरा पकड़ा, उस सिरे को उन्होंने आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया 2019 है। एक सिरा पकड़ा उन्होंने और राष्ट्रवाद का, उन्होंने उसको आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया। अब आ जाइए 2024 में ये भाजपा नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है और बार बार लड़खड़ा रही है। और दूसरी बात, आपका जो नैरेटिव बार बार बदलना ये बताता है, और ऊपर से मतदान का कम होना ये बताता है कि उत्साह नहीं। उत्साह क्यों नहीं है? क्या 2047 में भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनना चाहता? क्या इस जुमले में लोगों की आस्था कम हो गई है? आपने कह दिया पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई, बिल्कुल बन गई, ठीक है। तो आप जरा ये आडवाणी की और कनॉट प्लेस की और इन सब चीजों की, जरा ये मुंबई की, बांद्रा की, इन सब चीजों को जरा हटाइए ना एक तरफ, थोड़ा किनारे आ जाइए ना, बिलौर पे आ जाइए, वहां कितनी आर्थिक स्थिति सुधर गई। बिजनौर में आ जाइए, कितनी आर्थिक स्थिति सुधर गई। बुलंदशहर में, सयाना में कितनी सुधर गई, चित्रकूट में कितनी सुधर गई, हमको ये भी समझना पड़ेगा। तो ये है कि एक जुमले वाली बात चल रही है, और वो उनके हिसाब से नारेबाजी है, लेकिन वो नारेबाजी जमीन पर नहीं उतर रही। अब जमीन पर नहीं उतर रही तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला, जो फ्लोटिंग वोटर्स है, जो कहते हैं ना कि एक जो बाउंड्री वॉल पर बैठा हुआ था, मुंडेर पर बैठा हुआ था, उसको और ज्यादा बेहतर शब्द मुंडेर होगा, वो है ना, मुंडेर होती है ना जो ऊपर से बैठा होता है, वो कभी इधर भी लुढ़क सकता है, इधर भी कूद सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। बहुत बहुत प्यारा शब्द है, बड़ा संवेदनशील शब्द है मुंडेर वाला, दिलों के करीब है वो जी। 2019 में आपका, 2014 में जो मुंडेर पर बैठा हुआ था ना, जो न्यूट्रल वोटर था, जो फ्लोटिंग वोटर था, वो पूरी तरह एक तरफ, इस बार ऐसा नहीं होने का था, वो बिल्कुल चुपचाप, वो कूद ही नहीं रहा, वहां पर चुपचाप बैठा है या वापस अपने घरों में चला गया है। ये स्थिति बहुत ही एक चिंताजनक है। और दूसरा, इसमें दो चीजों का एक जो समावेश हो रहा है, जो तड़का लग रहा है, उसको तड़का ही कहूंगा। तड़का इसलिए कहूंगा कि थोड़ा सा उसमें एक बेचैनी भी आती है ना, स्वाद भी आता है, बेचैनी भी आती है। तो वो इस बात क्या हो रहा है कि बीजेपी और संघ का जो कार्यकर्ता जो एक उत्साह में रहता है, जो हमेशा चुनाव से पहले जो एक माहौल बना देता है, इस बार ऐसा माहौल मुझे जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। वो उत्साह नहीं दे रहा है, अब चलो वोट करने चलते, अरे राव, अरे चाचा, अरे ताऊ, आओ चलो यार वोट देने चलते हैं। ये माहौल, ये भाषा, ये बॉडी लैंग्वेज, ये नहीं दिख रही है। अगर ये नहीं दिख रही है तो इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब हम ये देखना पड़ेगा, तो सामने ही देखना पड़ेगा कि सामने जो तराजू में जो मुद्दे चलाए गए हैं, वो तराजू का पल्ला भारी तो नहीं हो रहा है? पहला बड़ा मुद्दा जो तराजू पर रख दिया गया, वो आ गया संविधान बदलना। वो 400 सीट का नारा, 370 का जो एक ऐसा नारा है, ये भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गया है। और इसमें जो ये नैरेटिव जो विपक्ष ने जो खड़ा कर दिया कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण बदलना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, वीपी सिंह भी जीत गए थे चुनाव बोफोर्स पर,
वो साबित थोड़ी हुआ था। जी बात नैरेटिव की है, और नैरेटिव कितनी मजबूती के साथ में खड़ा किया जाता है, और वो नैरेटिव इस बार ये खड़ा हो गया है। एक पहला ये, और दूसरा ये, जो अग्निवीर जो 4 साल वाले थे वो थोड़े से एक निराश है, वो बहुत निराश है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। रूरल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है, महंगाई की मार भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, शहरों में तो कुछ दाएं बाएं करके, कुछ एक काम करके दूसरा काम करके, पार्ट टाइम काम करके कुछ दाएं बाएं कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थिति नहीं हो पा रही है, इसीलिए आपके दोपहिया वाहनों की बिक्री भी ग्रामीण क्षेत्रों में घटी है, काफी घटी है। दोपहिया वाहन यही बताते हैं कि आपके अर्थव्यवस्था का मिजाज क्या है, और आप जो 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं और 3री अर्थव्यवस्था का नारा दे रहे हैं, इसकी हकीकत कितनी आपकी पुख्ता जमीन पर आलू खड़ी के है, महंगे भी हो गए हैं। अखिलेश यादव ने आज सवाल उठाया उन्नाव में कि भैया जो मोटरसाइकिल 55,000 की थी वो 1 लाख की हो गई, पॉलिटिकल पार्टी आपकी इस बात को पकड़ने लगी है। अब बिल्कुल सही है। तो ये जो इस तरीके की चीजें हैं, आप देखिए आपको कहीं नहीं मिल रहा खेती में, किसी की किसान की आय नहीं दुगनी, और खेती के अलावा जो दूसरे थे वो भी नहीं हो पा रहे। तीसरा एक बेरोजगारी, जो अग्निवीर के साथ में मैंने एक जोड़ा तो उसके साथ में एक बेरोजगारी भी बड़ा प्रमुख है। ये मुद्दे विपक्ष ने नैरेटिव खड़ा कर दिया, और इधर उत्साह की, जो मेरा मानना है कि चुनाव वो जीतता है जो अंदर से उत्साह होता है, जो पार्टी उत्साह से भरी होती है। अब एक ऐसा होता है कि थोड़ा सा मैं पीछे लौटूंगा, उसके बाद मैं अपना फर्स्ट राउंड खत्म करता हूं। अब जिस तरीके से हाल फिलहाल जो पिछले दिसंबर वाले जो चुनाव में 2023 के आखिरी में जो चुनाव हुए थे, जिस तरीके से 3 लोगों को बनाकर मुख्यमंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक डाला गया था, और उस मास्टर स्ट्रोक से बाकी लोग भी काफी हताश हुए थे। तो वो जो एक हताशा है कि आप अपने पुराने लोगों को दरकिनार कर देंगे, शिवराज चौहान जीता कर लाए थे उसको आपने किनारे कर दिया, वसुंधरा राजे को लाए थे आपने उसको किनारे कर दिया, और आज क्या स्थिति है हरियाणा में, आप किन को लेके आए, नायब सिंह सैनी को लेके आए, आज क्या हुआ वहां पर, 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया, कांग्रेस को समर्थन दे दिया, ये आज की ताजा खबर है ये। तो सवाल ये है कि आपका जो एक आक्रोश है वो व्यापक आक्रोश है, और आप जिस तरीके से कर रहे हैं, जैसे आपने जो इंदौर में किया, जो सूरत में किया, जिस तरीके से आप बिठा रहे हैं, जिस तरीके से चंडीगढ़ में एक आदमी आपका वो जिताने पर तुला हुआ है, ये जो माहौल जो ओवरऑल बन रहा है, और आपके ब्रजभूषण सिंह के बेटे को देना, इससे मेरे ख्याल से मिडिल क्लास भी थोड़ा सा एक निराश हो रहा है। ठीक है आलोक, और अगर ये निराशा अगर गहरी है तो मान का चलेगा बीजेपी को, बीजेपी ढलान पे है। ठीक बात है, ठीक बात है। अब ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कौन ढलान पर है। संजय श्रीवास्तव की तरफ रुख करते हैं। संजय श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, आज बहुत सारी खबरें आई। एक एक, एक, एक विजुअल अभी तस्वीर चल रही थी कि एक इंस्पेक्टर बदायूं में 7 BLO की, जो BLO होते हैं उनकी वोटर लिस्ट ही छीन ले गया और वो वोट ही नहीं पढ़ पाया। शिवपाल यादव उनके बेटे चीखते चिल्लाते रहे, और के न्यूज के संवाददाता से भी एक तरीके से उसने मुजामत की। आप वो तस्वीरें जरा हमारे साथी आपको दिखा भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, जरा दोबारा वो तस्वीरें दिखाई जाएँ। इसी तरह मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये तस्वीरें हैं वो जो विंडो में चल रही हैं, वो सवाल पूछ रहा है कि भाई आप कौन होते हो BLO से छीनने वाले, तो वो धक्का मुक्की हमारे रिपोर्टर से भी करता नजर आ रहा है, बेखौफ इस पर सीधे सवाल उठाए गए। जो यादव लैंड जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर क्या आपके पास खबर है संजय जी, क्या आप समझ रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, जो आपने कहा, और मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए धड़ल्ले से। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूं कि अभी आपने जो तीसरे चरण को लेके आदरणीय आलोक जी से सवाल किया, और उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में 1, 2, 3, 4, 5 करके कई बिंदुओं पे चर्चा की, मैं उसी को इस जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर और कुल मिला के जो 93 सीटों पे आज चुनाव हुए हैं उसको लेके मैं इतना कहना चाहूंगा कि बीजेपी का जो संगठन है जिसमें वो दावा करते थे कि पन्ना प्रमुख पन्ने पन्ने पर व्याप्त है, पन्ने पन्ने पर फैला हुआ है, वो डलवाने का काम कर रहा है, वो सब बिखर गया है इस 2024 के चुनाव में। मैं कई विधानसभाओं में, लोकसभा का चुनाव है लेकिन विधानसभा भारी होता है, कई विधानसभाओं में गया और कई गांवों और कस्बों में काफी बारीकी से देखा और बारीकी से पूछताछ की, तो भारतीय जनता पार्टी में काफी घोर निराशा है। संगठन में जो गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर जो इनके कार्यकर्ता थे, जो इनके पन्ना प्रमुख थे, उनकी कोई सुनता नहीं है।
उनके कोई काम होते नहीं है, वो किसी से मिल नहीं पाते हैं। उनको अपने एक प्रवक्ता, एक ने तो यहाँ तक कहा कि अरे मैं लखनऊ ऑफिस जाता हूँ तो वहां जो आप प्रवक्ता चैनल पे बैठते हैं उनसे मिलने के लिए भी मुझे बड़ी सिफारिश और मशक्कत करनी पड़ती है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि निराशा कितनी है और कितना ये जो वोटिंग का रेशियो कम हो रहा है उसकी बड़ी वजह है कि लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछले दो चुनाव में घर घर से वोट निकालने का काम करते थे, वो इस बार अपने घर में खुद बैठ गए हैं। तो जब वो घर में खुद बैठ गए तो उनके वोटर भी नहीं जा रहे हैं। और जो आलोक जी ने कहा कि तमाम सारे बिंदुओं पर, मैं उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि उन्होंने बहुत विस्तार से सारी चीजें कही हैं, चाहे आर्थिक रूप से कहा है, दो तीन चीजें मैं जोड़ दूं कि उन्होंने कहा कि पांचवी अर्थव्यवस्था आप बना रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का राशन देते हैं 5 किलो, तो उनको खाने को होता है। तो भाई ये समझा दें बीजेपी वाले कि 80 करोड़ लोग भुखमरे हैं जिनको आप राशन दे रहे हैं, या फिर वो पांचवी और तीसरी अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए लोग हैं, कदम ताल कर रहे हैं, जिनको आपको राशन देना पड़ रहा है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके उत्तर का प्रत्युत्तर बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे बात करिए तो उनसे बात क्या करना है, उनसे बात करने का मतलब है कि अपना दीदा खोना है, और वो बात सुनते नहीं है। तो ये सब सारे जो बिंदु है उसी वजह से ये जो चीजें सामने आ रही है कि वोट नहीं डालने देना है भाई, मुसलमानों को वोट मत डालने दो, उनकी बेल्ट में पुलिस और प्रशासन का सहयोग लो, चुनाव आयोग आप ही ने आपके मुखारबिंदु से आया कि चुनाव आयोग कहीं दिख नहीं रहा है, चुनाव आयोग दिख रहा है भाई, हमें तो नहीं दिखा संजय जी, आपको कहीं मिले तो मुझे बताइएगा, मुझे नहीं दिखा। भाषण दे रहा है उसमें कोई अपशब्द है तो उसके खिलाफ नोटिस होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करें, चाहे जिस शैली में वो रोड शो करें या अपना भाषण करें, उससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग बिल्कुल सोता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूं कह लीजिए कि सत्ता के इशारे पर नाचता हुआ चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न करा रहा है। और आपको एक मजे की बात करा दूं, चुनाव आयोग से याद आया कि मैं भी लखनऊ के चुनाव आयोग जो कार्यालय है वहां आता जाता रहता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जो वहां पे बड़े बड़े अधिकारी हैं। एक ने यहाँ तक कहा कि 31 जनवरी तक जो 18 साल के मतदाता पूरे हो रहे थे और उनको फरवरी मार्च में 31 मार्च तक मतदाता बना लेना था, आपको ताज्जुब होगा यहाँ बैठे हुए के न्यूज के दर्शकों को, सिर्फ 34% ऑन रिकॉर्ड है ये, देखिएगा 34% लोगों को ये नए 18 साल पूरे होने वाले मतदाता बना पाए। तो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की मैंने, तो पता चला कि भाई ये जो अग्निवीर योजना आई है, ये जो बेरोजगारी का आलम चल रहा है, 69,000 भर्ती नहीं हो पा रही है, मुकदमे सालों से अटके हैं, इन सबके पीछे 18 साल पूरे होने वाले लोगों का गुस्सा बहुत है, उनको कुछ भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से ये कम से कम मतदाता बने, अगर ये 60 और 65% बन जाते तो शायद इनके खिलाफ वोटिंग करते, जो ये कहते हैं कि देश का युवा ही सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है और युवा वर्ग मतदान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे ये हाथ धो बैठते। इसलिए इन्होंने नए मतदाताओं को बनाने में चुनाव आयोग ने कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं, कोई कैंपेन इस बार नहीं चला है, कोई भी बता दे इतने लोग बैठे हैं कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार घर घर, कस्बे में, मोहल्ले में, स्कूलों में, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में कैंप लगा के बाकायदे चुनाव आयोग के लोग मतदाता बनाते थे और तमाम तरीके के जागरूकता अभियान चलाते थे। इस बार कहीं ऐसा कुछ दिखाओ तो भाई लोग मुझे बताएं। ठीक है, मैं लौटूंगा संजय जी, पीयूष पंत जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ, जरा बिहार का हालचाल जान लेता हूँ। पीयूष पंत जी, बिहार में क्या परिदृश्य आपको दिखा तीसरे चरण में? देखिए अगेन जी, जो हाल था पहले दो चरणों का वही हाल वहां पे आज भी दिखाई दिया, और जहां तक वोट प्रतिशत का सवाल है तो मुझे लगा शायद कुछ बढ़ोतरी होगी पिछले दो राउंड से, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जबकि ये जो एक भारतीय जनता पार्टी या कहिए एनडीए और जो इंडिया है उसके खिलाफ जो है लगातार जो है जिस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, जो उनकी कैंपेनिंग चल रही है एक दूसरे के खिलाफ, उसको चलते हुए मेरी उम्मीद थी कि शायद कुछ और चुनाव का प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन बिहार की अपनी समस्या, देखिए बिहार में एक बहुत बड़ा पलायन हो चुका है, लोग बिहार से बाहर हैं, सब महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, गुजरात में हैं,
और पहले तो लोग लौट के आते थे वोट देने, लेकिन अब लोगों की इतनी उदासीनता हो गई है, उन्होंने जो देखा है सरकारी रवैये को, सरकारों के रवैये को जो देखा लगातार, उनके हालात को लेके सरकार जिस तरह से बातें करती है, काम नहीं करती है, तो अब वोट देने का, घर लौट के आने का उनका एक जो उत्साह होता था वो उसमें मुझे लगता है कमी आई है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नहीं तो बिहार में तो वोट प्रतिशत कम होना एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ये राजनीति की पकी पकाई भूमि है बिहार जो है जी, और राजनीति यहां से चलती है, एक दिशा लेती है। वहां पे अगर लोग मतदाता हमेशा आए कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज होता है यहाँ का, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, और चाहे जो है कि आपके क्या नाम वरिष्ठ लोग हों। यही देखिए, यही कारण था कि महिलाओं ने अपने अपना अपने बात से, अपने विरोध से करते करते जो है नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया कि शराबबंदी लागू करें वो बिहार जी। तो ये है, वहां बहुत कम हुआ है, लेकिन वहां देखिए लगातार एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात उसमें आ रही, आज दिखाई दे रही है कि जेडीयू जहां एक एक स्ट्रांग जो है वो, ये जहां माना जा रहा था कि जेडीयू कमजोर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है आगे निकल जाएगी, वो ये देखने में मिला है कि जेडीयू कहीं बेहतर करता हुआ दिखाई दिया है। और कांग्रेस भी जिस सीट से लड़ रही है वो भी एक स्ट्रांग फुटिंग पे चल रही है, लड़ाई है, चल रही है। लेकिन देखिए जिस तरह से पूरे देश में हो रहा है, भाजपा के द्वारा, खासकर मोदी जी के द्वारा एक सांप्रदायिक नैरेटिव को गढ़ने की बात की जा रही है, तो वो बिहार में भी हम देख रहे हैं लगातार उस तरह की बातें हो रही है। आपने चर्चा भी करी लालू प्रसाद यादव जी के स्टेटमेंट के ऊपर, और आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से लगातार उसको एक धार्मिक टच देने की कोशिश की जा रही है, जबकि देखिए अगर जो जातियां हैं वो भी हिंदू धर्म के अंदर ही है जिन जातियों को आरक्षण मिलता है, तो वो जाति सामाजिक, जो लालू जी ने कहा बात सही है, सामाजिक आधार पर मिलता है, और सामाजिक पिछड़ापन हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, पारसियों में भी है, सिखों में भी है, सब में है, तो वो पिछड़ेपन के आधार पे ही दिया जाता है। चूंकि आप मुसलमान को टारगेट करते हैं, मुसलमान को आप अनटचेबल बना देते हैं, तो आप उसको जो है, ठीक है, एक सामने लेके चले आते ठीक है। तो बिहार में भी देखिए वही मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन मजबूती से है, और आज जो है कि जेडीयू की सीटें थी ज्यादा, उसके हिसाब से जेडीयू ने भी जो है बेहतर किया, जाके हमें नहीं, एक छोटा सा जवाब दीजिए पीयूष जी, अगर जेडीयू बेहतर कर रहा तो इसका मतलब फिर आरजेडी और कांग्रेस, इनका गठबंधन कहीं पिछड़ रहा है क्या? हाँ पिछड़ रहा है, कुछ सीटों में पिछड़ रहा है। ये बात बड़ी सरप्राइजिंग आज के जो सामने आई है कि जेडीयू जो है कम से कम 2-3 सीटों में जो है वो बेहतर तरीके से वो उसने ये लड़ाई लड़ी है। मुझे लगता है जिस तरह से जो है कि नीतीश कुमार जो है वो लगातार निकले भी हैं और वो जो है लोगों के बीच में भी गए हैं, उसके बाद उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, क्योंकि ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को खत्म कर देगी, लेकिन जेडीयू का इस संकट ये भी था, उसके अस्तित्व का संकट था, और मुझे लगता है वो कोशिश की है नीतीश कुमार ने, और आज की जो वोटिंग हुई है उसमें ये ऐसा कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि जेडीयू एक मजबूती के साथ लड़ी है आज। ठीक है ठीक है। शशिकांत जी, आप इस तीसरे चरण पर क्या राय रखते हैं? शशिकांत जी अनम्यूट करिए कृपया। हाँ जी, आपके अभी आ रही है आवाज, आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए कृपया। हाँ, तो क्या है कि अभी हम सबको जो लग रहा है कि वो माहौल अभी ऐसा है कि बीजेपी के खिलाफ है, या वो नैरेटिव सेट नहीं कर पाए हैं, और लोगों में निराशा है, तो पहले निराशा को पकड़ लेते हैं। उसका कारण है कि अभी अभी जो राज्यों के असेंबली के चुनाव हुए थे, खासकर मध्य प्रदेश का, वहां लोग एक ही नेता से नाराज अगर नहीं थे तो थक चुके थे, कब तक भाषण सुने एक ही जैसा, वो चाहते थे, इवन पार्टी के ही लोग कहते थे कि भैया आप थोड़ा बहुत बदलाव हो जाना चाहिए। तो सबको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी शायद 100 सीट जो पिछला रिजल्ट था उसके आगे पीछे 2-4-10 हो सकता है, बना भी ले, हो सकता है शॉर्टफॉल में आ जाए, ऐसा एक मतलब पत्रकारों में, बुद्धिजीवियों में डिस्कशन होता था कि सरकार बनाना मुश्किल रहेगा पिछले बार की तरह। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो तो रिमार्केबल था, जिस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हो गया, मतलब 63 पर लगभग 63 सीट
एक्स्ट्रा आई, यानी 60% गेन है, और टोटल कर लिया जाए तो करीब 25 से 26% गेन है कि कोई पार्टी कर रही है, और माहौल सबको मालूम है कि नहीं इनके खिलाफ जाना है, तो अब लोगों में उसको लेकर के ये हो गया है इवन पार्टी कार्यकर्ताओं में कि 100 घर में आए वो कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। आपको मैं उदाहरण शायद पिछली बार भी मैंने दिया था, मेरे पत्रकार मित्र हैं, काफी सीनियर हैं और बहुत दिनों से करीब 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे, हम दोनों ही चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के जो भोपाल में कैंडिडेट हैं उनको तुम जानते हो क्या? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। बोले तुम जानते हो? मैं भी नहीं जानता। बोले और मेरे 10 पत्रकारों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते उनको, ये है कौन? तो जिन्हें सीनियर जर्नलिस्ट नहीं जानते, चलिए मैं इग्नोरेंट हो सकता हूँ, 10 लोग इग्नोरेंट नहीं हो सकते। तो जब कांग्रेस इस तरह के सिलेक्शन करेगी और आधी सीटों पर लड़ेगी, पूरा एग्जाम के पूरे पर्चे नहीं देगी, तो लोगों में पहले ही सब में मतलब फिर तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसमें भले उत्साह है कि नहीं, हो सकता है वो सो गया, उसको मालूम है कि वो कांग्रेस का आदमी तो जाएगा नहीं, उसका एजेंट कोई चुनौती देगा नहीं जी, कोई बात सुनेगा नहीं, तो वो क्यों जाएगा गर्मी में जाकर के परेशान होगा? हमारी पार्टी तो जीत ही रही है। तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत सारे लोग बड़े नेताओं को हमने कहते सुना कि भाई हम तो जीत ही रहे, यथा स्थिति है, मतदाता कोई चुपचाप नहीं, यथा स्थिति वो आशीर्वाद दे चुका है हमारे लिए, बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमको दे चुका है, तो ऐसा कह करके अगर वो है तो मतलब ये जो निराशा नहीं है इसको क्या कहना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा है। चलिए तलाशेंगे हम लोग, ठीक है चल रहा है, हमें क्या करना है। पर ये गंभीर चिंता की बात जो है, सीरियस नोट पर मैं बात कहना चाहूंगा कि नेताओं से हमारे जो 545 सांसद हैं उनसे पब्लिक का सीधा सीधा डिस्कनेक्ट हुई, इसको डिस्कनेक्ट कर सकते, हमें कोई मतलब नहीं, कोई बन जाए क्या लेना देना, हमारे काम मोहल्ले का दादा गुंडा या कोई रिश्वत लेने वाला या अपनी मेहनत से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर जैसे तैसे हम अपना काम करा लेंगे, सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली हैं, ये चिंताजनक बात है कि अब हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो चलेगा वो डिस्कनेक्ट से चलेगा, कितने दिन चल पाएगा वी डोंट नो। एक पहलू और मेरे को लगा, छोटे छोटे उदाहरणों से पकड़ लेता हूँ कि बात क्या है, वो क्या रहा है। मैं चुनाव आयोग के कार्यालय में, जैसे पंत जी ने कहा वो जाते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, तो अभी वो चाय पानी नाश्ता खाना सबके लिए पूछते थे, मैंने कहा इस बार क्यों नहीं पूछ रहे, तो उन्होंने कहा कि भैया पैसे नहीं आ रहे, इस बार मना कर दिया गया है कि इस बार खर्च ज्यादा नहीं करना। तो अगर चुनाव कार्यालय के पास पैसे नहीं है तो पार्टियों के पास भी पैसे नहीं होंगे, पैसे का संकट भारत में है, कैश क्राइसिस है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको तमाम ताम झाम नहीं दिखेगा, मतलब गरीबी से शादी ब्याह करना पड़ रहा है, समारोह अब हो नहीं रहा है, तो एक रीजन ये बहुत बड़ा है, ये दो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया आपकी तरफ से। ठीक बात है। नरेंद्र मोदी जी, इस तीसरे चरण को लेकर पूरे देश में जो चुनाव हुआ है, आप गुजरात में हैं, गुजरात की स्थिति परिस्थिति क्या आपको नजर आई? क्या मोदी जी खुद आ गए क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बोलिए नरेंद्र जी। आ रही है आवाज? आ रही है, हाँ बोलिए कृपया। गुजरात की आज परिस्थिति थोड़ी वीक पड़ रही है, आज सवेरे से 7 बजे से 10 बजे तक लोगों ने भारी वोटिंग किया, लेकिन 10 बजे के बाद लोगों में काफी परिस्थिति अलग निकली, लोग गर्मी की वजह से बाहर निकल भी नहीं पाए, और उसी की वजह से पोजीशन ऐसी हुई कि अगली बार 60% के ऊपर वोटिंग गई थी, इस बार 57% पर अटक के बैठी है जी, और अभी रात को 12 बजे तक जो पोजीशन आएगी वो मालूम पड़ जाएगी, लेकिन महिलाओं भी कोई ज्यादा बाहर निकली नहीं, और सबसे ज्यादा वोटिंग वलसाड़ के अंदर बनासकांठा साबरकांठा और भरूच जिला में हुई, वहां पर आदिवासी बेल्ट है और काफी लोग, उनको गर्मी की कोई अहमियत बहुत इतनी होती नहीं है, ट्राइबल इलाका है, उन लोगों को गर्मी के अंदर ही सब काम करना है, तो वो इलाकों में के अंदर उनकी जो वोटिंग परिस्थिति थी वो अच्छी रही, बाकी की जिलों में देखो तो परिस्थिति वीक पड़ रही है, जैसे अहमदाबाद में भी परिस्थिति 50 से 55% के बीच में हुई है, अहमदाबाद पूर्व पश्चिम और गांधीनगर वाली सीट जो हॉट फेवरेट सीट है वो पिछले कई सालों से बीजेपी को देती रही है, इस बार भी देती रहेगी, लेकिन इस बार शायद ऐसा हो सकता है गुजरात के अंदर एक आध दो सीट शायद कम हो सकती है। ये तो चौंकाने वाली बात आप बता रहे हैं, और जिन सीटों पर आपने कहा भयानक वोटिंग हुई है उन लोगों ने गर्मी की परवाह नहीं की, उन्हीं सीटों पर संकट है,
जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं वहां छत्रियों की नाराजगी है और तमाम मुद्दे हैं वहां, स्थानीय मुद्दे हैं, तो वही बनासकांठा ये से पूरा इलाका जो आप बता रहे हैं नरेंद्र भाई, वो वही 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 इलाका है पूरा जहां आप कह रहे हैं भयानक वोटिंग हुई, तो क्या लग रहा है हमारा सत्ता विरोधी लहर है क्या इन चार पांच सीटों में दिख रहा है आपको? वहीं पर देखो जो बनासकांठा में जो गैनी बेन है वो बहुत मजबूत धारा सभ्य के तौर पर पहले थी, आज संसद सभ्य के तौर पर उसने काफी अच्छी मेहनत किया है और आज एक परिस्थिति ऐसी भी हुई है कि जो अलग अलग पार्टी के जरिए एक पुलिस के अलग अलग वोटिंग बोगस वोटिंग के जरिए उन्होंने पकड़ा भी है गैनी बेन ने आज, और वो भी आज चुनाव कमिश्नर के सामने उन्होंने एक अर्जी भी दिया। लेकिन ऐसी कई बातों पर पोजीशन उसकी ऐसी बनी हुई है, भरूच में भी एक ऐसा हुआ हुआ है, भरूच में जो वसावाजे थे आपके अंदर उन्होंने काफी मेहनत किया है और सबेरे से उनके इलाके में वोटिंग का फ्यूज है। दूसरी वलसाड़ में भी ऐसा है, वलसाड़ के अंदर राजकोट का जरा हाल बताइए पुरुषोत्तम रूपाला का, जिनको पूरी तरह बीजेपी ने डिफेंड किया, उनके खिलाफ तमाम आंदोलन भी हुए, उनके क्या हाल चाल है पुरुषोत्तम रूपाला के? राजकोट की सीट पर से वो जीत जाएगा लेकिन उसको लीड जो बड़ी लीड मिलती थी वो मिलने का चांसेस कम रहेगा, क्योंकि पाटीदार लोग की पॉपुलेशन ज्यादा है और क्षत्रिय लोग कम है, इसीलिए सीट जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जो लीड मिलती है वो लीड कम हो जाएगी। तो आप ये मान रहे हैं कि गुजरात में दो तीन चार सीटें कम हो रही हैं क्या, क्योंकि पिछली बार तो क्लीन स्वीप था दो बार से 14-19 में, चांसेस है एक दो सीट कम होने का चांसेस है। ठीक, सबसे 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 देखने की जो तीन मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाले पहले अमरेली के थे, आज के डेट में भी रहने का तो उनका अमरेली का है, फिर आरोग्य मंत्री है मनसुख मांडविया जी और दूसरा एक दिलीप संघाणी जो तीन अमरेली का है, लेकिन आज अमरेली के अंदर 45% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुआ। बाकी सेंटर में उनका तीन मंत्री थे और तीनों के तीन मजबूत थे, उसके बावजूद भी वहीं पर वोटिंग कम हुआ, कहीं ना कहीं नाराजगी है अमरेली डिस्ट्रिक्ट में सौराष्ट्र के अंदर। ठीक बात है। मैं मनीष शर्मा को चर्चा में शामिल करता हूं, चूंकि बहुत देर से वो सुन रहे होंगे तो अभी तक तो वो श्रोता के रूप में थे। मनीष शर्मा, इस तीसरे चरण को आप किस तरीके से विश्लेषित करेंगे? अनम्यूट करिए मनीष जी। जी आवाज नहीं आ रही मनीष जी। मनीष शर्मा को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वापस मनीष शर्मा को कनेक्ट किया जाए। आलोक जी, अभी गुजरात से जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं नरेंद्र भाई मोदी, वो कह रहे हैं कि एक दो सीट कम हो सकती, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। नहीं, ये आश्चर्यजनक नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर सब कुछ अगर ऊपर की कमान सब कुछ कमान अगर अपने हाथों में कुछ अगर सेंट्रलाइज कर लिया जाए, ज्यादा केंद्रीकृत कर ली जाए जी, तो आप ये मान करके चलिए कि नीचे कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी एक हताशा आना एक बहुत ही स्वाभाविक है। इसको आप ऐसे समझिए कि पता चला कि आपका जो एक एसएसपी है वो सारे फैसले ले रहा है कि चार्जशीट होगी नहीं होगी, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, तो बेचारा दरोगा क्या करेगा। तो वही हिसाब वहां पे छत्रपों का हो गया है, चाहे वो जिला स्तर के नेता हो चाहे वो प्रदेश स्तर के नेता। और ये कह रहे हैं कि मंत्री भी बहुत उनके खिलाफ भी नाराजगी है, जीत भले जाए चुनाव लेकिन तीनों मंत्री फंसे हुए हैं। दिक्कत सारी यही है कि जो लोगों में एक जो उत्साह जो टूट रहा है कार्यकर्ताओं में, पिछले 3-4 साल का अगर आप देखा जाए तो करीब 50 से 100 इन लोगों ने ऐसे उम्मीदवार लिए विधानसभा से, को मैं जोड़ के बता रहा हूँ, करीब इतने ऐसे उन्होंने उतार लिए हैं जिनको उन्होंने टिकट भी दिए है। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ी सी एक हताशा, तो इसलिए अगर वो हार जाते हैं गुजरात का, वो सही कह रहे हैं, वो एक दो सीट कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा है, कम से कम 4 से 5 सीटों पर वहां पे एक बहुत कड़ा मुकाबला है और वो कड़ा मुकाबला ऐसा होगा कि 4 तारीख को भी वो शाम के 7-8 बजे तक तय हो पाएगा कि कौन जीतेगा जी। ये आपके गुजरात की स्थिति, मतलब ऐसा भी नहीं कि 2 बजे तय हो जाएगा, 1 बजे तय हो जाएगा, ठीक है, रात के 7-8 बजे तक तय होगा। यही स्थिति आपकी राजस्थान में, राजस्थान में तो 8 से 9 सीटों का ये तय होगा रात के 9 बजे तक। तो इसलिए तमाम जो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीत हासिल करी थी वहां वो कड़े मुकाबले में फंसी हुई है। ठीक बात, लेकिन हमको एक तथ्य नहीं भूलना चाहिए, मैं एक तथ्य और बोल के बात खत्म करता हूँ
वो तथ्य नहीं बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार तमाम सीटों पर भारी मार्जिन से जीती थी। अब अगर उस मार्जिन को आप 5% कम कर दीजिए, 8% कम कर दीजिए, 10% कम कर दीजिए, तो भी चुनाव में हार जीत तो एक ही वोट से होती है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि ढलान पे है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ये तय, लेकिन बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, उससे के लिए उसके लिए भी अभी तक तो ख्वाब है तीसरे चरण के दौर तक। आलोक जी, आप तो खतरनाक टाइप का जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, विश्लेषण दे रहे हैं। मनीष जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो आप अपना विश्लेषण रखिए। आवाज जा रही है क्या? हाँ, बोलिए बोलिए, कृपया बोलिए। हाँ, मैं दुर्गेन जी ये कह रहा था कि बेसिकली पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि जो वोटिंग पैटर्न है दो चरणों का, अगर तीसरे चरण में भी अगर वही पैटर्न रहेगा तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा पूरे चुनाव के लिए। और ये जो अभी आज की वोटिंग है वो तो लग रहा है कि उसी पैटर्न को के आसपास चीजें आगे बढ़ रही है। और इसका ये बहुत साफ मतलब है कि कोई इस तरह का इस बार के लोकसभा के चुनाव में कोई लहर जैसी कोई फैक्टर नहीं है, कोई मोदी फैक्टर नहीं है। ये चुनाव धीरे धीरे आम चुनाव में बदल गया है। और अगर मोदी के एंगल से अगर देखें इसको, भाजपा के एंगल से देखें, तो कोई केंद्रीय नैरेटिव नहीं रह गया है। और इसलिए लोकैलिटी जो स्थानीयता है वो बहुत तेजी से जगह जगह इलाके वाइज हावी हो रही है। अब इसी चुनाव में आप समझिए कि जो 93 सीटें हैं उसमें 80 से ज्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए के पास हैं, जो पिछले 2019 का अगर उसको देखा जाए। और अभी जो कर्नाटका का हालत है रेवन्ना के बाद, महाराष्ट्र जो आज जो सीटें हैं उसको देखिए, यूपी में जो 10 में से 8 सीटें आप पिछली बार बीजेपी के पास थी, इन सब में गड़बड़, बहुत सारी दिक्कतें इस बार के चुनाव, इस बार का ये जो तीसरा चरण का जो चुनाव है ये बेसिकली आप देखेंगे कि ये एकदम क्लियर कट ये बात हो जा रही है कि बीजेपी बहुमत से नीचे की तरफ जा रही है। और 400 पार का नारा हास्यास्पद नारे में बदल गया है, मतलब वो मजाक का विषय लोगों के बीच में जो है वो बनता जा रहा है। तो मैं तो ये देख रहा हूं लेकिन, लेकिन मनीष शर्मा, मैं एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा। आलोक जी ने कहा कि पिछले बार जो अंतर था बहुत भारी था, 5 लाख 7 लाख 4 लाख ऐसे लोग जीते थे, तो आप कह रहे हैं कि बहुमत के करीब पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, इतना सारा जो अंतर है वोटों का वो कैसे पटेगा? मनीष शर्मा, उसकी भी तो कोई युक्ति बताइए। अगर कोई लहर जैसी बात ना हो, अगर कोई लहर जैसी, जैसे आप बालाकोट जैसा कोई राष्ट्रवादी माहौल ना हो, कोई तरह का राम मंदिर का कोई जो मसला बहुत अगर छोटा हो गया हो, हिंदुत्व के सारे पगला गए क्या जी, हिंदुत्व के जितने कोर वोटर हैं, कोर मुद्दे हैं, जब वो डाउन हो गए हो, तो जो जो पिछले दौर में जो चीजें वोट को बहुत बढ़ा देती थी वही चीजें नकारात्मक भी हो सकती हैं। तो इस दौर में आप देखेंगे, जैसे आप देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा था, ये जो लाभार्थी समूह है जिसको बोला जा रहा था, ये अब सम्मानित शब्द नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं जो देख पा रहा हूँ। और ये उल्टा हो गया है कि आप 5 ट्रिलियन जो है अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, देश को इतनी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आपको जिंदा रखना पड़ रहा है, तो कोई नैरेटिव कैसे उलट जाता है? यही जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा था वो चीजें बदल गई। और वो जो 5 किलो वाला जो लाभार्थी समूह है उसको अपने आरक्षण की चिंता कर होने लगी है। वो खुद जो है सामाजिक, उच्च सामाजिक समूहों से आता है, जो ओबीसी और दलित समूह से आता है, उसको अपने बच्चों के रोजगार की चिंता होने लगी है, अपने संविधान और आरक्षण की चिंता होने लगी है। तो जो चीजें आपके लिए सकारात्मक हो सकती थी, कोई केंद्रीय नैरेटिव रहते हुए, कोई बड़े नैरेटिव रहते हुए, कुछ जो बुराइयां भी आपकी अच्छाइयों में तब्दील हो जाती हैं, अगर वो नैरेटिव ना हो तो बहुत सारी आपकी सकारात्मक चीजें भी भयानक नेगेटिविटी लेकर के सामने आ जाती जी। तो मैं तो इसको ऐसे ही देख पा रहा हूं कि ये चुनाव धीरे धीरे आम चुनाव में तब्दील हो गया है। और अगर विपक्ष की तरफ से अगर आप इसको देखें तो उनका नैरेटिव बन गया है। आप अगर इसको विपक्ष की नजर से आप देखेंगे तो मंडल जो है मंडल पे बहुत तेजी से हावी हो रहा है, माने मंडल इशू आ गया, सामाजिक न्याय इशू बनने लगा है, संविधान इशू बनने लगा है। और अगर और ठोस रूप से कहिए तो लोगों के जीवन और रोजी रोटी का सवाल केंद्रीय प्रश्न बनने लगा है, और इसका जवाब असल में बीजेपी के पास बिल्कुल नहीं है। और एक और अंत में बात ये कहते हुए कि ये किसी दौर में यह प्रश्न भी बहुत सकारात्मक था भाजपा के लिए कि लोग कैंडिडेट नहीं देखते थे, मोदी को देखते थे।
और ये बहुत बुरा होने जा रहा है बीजेपी के लिए कि लोग कैंडिडेट देखने लगे हैं मोदी फैक्टर ना होने के चलते, और कैंडिडेट के बारे में बीजेपी ने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। वो मोदी लड़ रहे हैं हर चुनाव, ये इतना बड़ा प्रचारित किया है लंबे समय से इस दौर में, तो उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि कैंडिडेट कौन होगा, कैसा होगा। इस बार मैं जो फील कर रहा हूँ, और लोग कैंडिडेट देखना शुरू करेंगे तो ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए नकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी, संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शशिकांत जी आपका भी बहुत धन्यवाद, पीयूष पंत जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। चर्चा बड़ी दिलचस्प दौर में पहुंच गई थी, लेकिन वक्त के हम सब पाबंद हैं और वक्त के गुलाम भी, इसलिए अब इस चर्चा को यही विराम देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।